हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ शाही टुकड़े की। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के इलाके में ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। ईद के मौके पर घर पर बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो नगमा कुक्स यम को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम शाही टुकड़े के लिए जो भी वेसल ले रहे हैं उसमें हम स्लाइसेस को रखकर देख लेंगे कि कितने स्लाइसेस उसमें आएंगे, उसी हिसाब से हम उन्हें कट करेंगे। और लेयर्स भी देख लेंगे कि हमें 2 लेयर बनाना है या 3 लेयर, तो उसी के हिसाब से आप ब्रेड्स लें। इसके बाद सारे ही ब्रेड्स के किनारे निकाल दें, सीजर से या नाइफ से आप जैसे चाहें उसे चॉप करके कट कर लें। मैं इन्हें रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल शेप में मैंने इन्हें कट कर लिया है और इसी तरह से सारे ब्रेड्स में कट कर लूँगी। इन्हें एक साइड रख देंगे और इसका सिरप बना लेंगे। तो सिरप के लिए मैंने यहाँ पे एक वेसल में 1 कप वाटर लिया है, उसमें मैंने 1/2 कप शुगर ऐड किया है और उसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इसकी फ्रेग्रेंस और खुशबू बहुत अच्छी होती है। 1/4 टीस्पून केवड़ा वाटर, इसकी भी खुशबू बहुत ही डिलीशियस लगती है। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शुगर सिरप बनाना है। तो इसको हम 3-4 मिनट तक ऐसे ही बॉयल आने तक पका लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। सिरप बनकर तैयार हुआ तो उसे भी साइड में रख देंगे और फ्राई कर लेंगे सारे ब्रेड्स को। यहाँ मैंने एक पैन में मीडियम फ्लेम पर ऑयल और प्योर घी 1/2-1/2 करके ऐड किया है। आप चाहे तो टोटल प्योर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो प्योर घी में हम बनाते तो वो बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने 1/2-1/2 करके मिक्स किया है। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें चाहे प्योर घी में बनाएं या ऑयल में। तो इनको हल्का सा गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो अच्छे से क्रिस्पी करारे होने लगे हैं, धीरे धीरे पलट लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इनका कलर। तो ये देखिए हल्के गोल्डन कलर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें इस ऑयल से निकाल लेंगे और इसके बाद सारे ही इसी तरह से गोल्डन, ये देखिए फ्राई कर लिए हैं हमने, इन्हें साइड में रहने दें। अब हम इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, आप चाहे टोंड भी ले सकते हैं, नॉर्मल दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बॉयल आने तक इसे चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए, किनारों पे ना लग जाए। तो अच्छे से चलाते हुए इसे बॉयल आने तक पका लें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ग्रीन इलायची का पाउडर और इसके साथ ही यहाँ भी मैंने 15 से 20 स्ट्रैंड्स लिए हैं केसर के, वो इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो येलो कलर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर इसका बहुत अच्छा लगता है। अब इसको इसके साथ पका लें, अच्छे से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट उसे पकाते हुए हो गए हैं, ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा इसका जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होने लगी है। तो अब यहाँ पे हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो 1/4 कप शुगर मैंने इसमें ऐड किया है और ये शुगर भी पानी छोड़ेगी। अब इसके साथ इसे पका लेंगे गाढ़ा होने तक। इसकी कंसिस्टेंसी को और गाढ़ा करने के लिए हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इसमें 1/2 कप दूध मिलाकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। विक्स की मदद से अच्छे से घोलेंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े, अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, तो ये पकते पकते देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है और इसमें केसर का कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अब इसमें हम वो घोल डाल देंगे जो हमने अभी तैयार किया था। विक्स से मिक्स करते रहेंगे क्योंकि विक्स से मिक्स करेंगे तो इसमें कोई भी लम्स नहीं आएंगे, कोई भी गुड़ी नहीं पड़ेंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाएँ और मिलाते जाएँ, मिक्स करते जाएँ मिलाते जाएँ। और ये देखिए इसके मिलने के 1-2 मिनट के बाद ही ये गाढ़ा होने लगा है। अब इसके साथ भी इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे वरना ये और भी गाढ़ा हो जाता है। अब एक एक करके जो हमने ब्रेड फ्राई किए हैं रेक्टेंगल, उन्हें सिरप में डिप करेंगे इस तरीके से और उनको जो वेसल हमने लिया है उसमें सेट कर देंगे। तो पहले 1st लेयर तैयार करेंगे।
अब इसमें जो रबड़ी है वो चाहे तो आप सारी लेयर्स बनाने के बाद ऊपर से डाल सकते हैं या हर लेयर के बाद आप डालें। यहाँ पे मैंने हर लेयर के बाद ऐड किया है, तो ये देखिए फर्स्ट लेयर बन गई है, उसके ऊपर से यहाँ पे हमने इसे ऐड कर दिया है। पूरी तरह कवर करने के बाद अब इस पर दूसरी लेयर लगाएंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स सारी लेयर्स बनाकर तैयार करेंगे और ऊपर तक इसमें इसी तरह से रबड़ी डालते चले जाएंगे। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैंने एक एक करके लगाए हैं, तो यहाँ पे 3 लेयर्स मैंने बनाई हैं और पूरी तरह से जो रबड़ी इस पर डाल दी है, तो ये देखिए पूरी तरह से कवर हो गया है। कितना अच्छा टेक्स्चर आया है, बहुत डिलीशियस लग रहा है। पूरी तरह से कवर कर देंगे और इस पर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता लिया है काट के, तो आप चाहे तो टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जामा मस्जिद में किया जाता है, तो बहुत डिलीशियस लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हुआ है। 1 घंटा सेट किया है हमने, ये देखिए 1 घंटे के बाद अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए इसे ध्यान से काटें इस तरीके से, और जितना बड़ा भी पीस आप सर्व करना चाहते हैं उसे निकाल लें। वेरी डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस और जूसी बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स इसी तरह से बनाकर तैयार करिए, ईद पर सर्व कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।